ब्रह्मांड एक अपार और असाध्य जगह है, जिसके ना तो आगे कुछ है और ना ही ब्रह्मांड के बाद। और हमारी पृथ्वी इस विशालकाय ब्रह्मांड का महज एक सूक्ष्म सा हिस्सा मात्र है। अब जरा सोचिए, जब हमारी ये छोटी सी पृथ्वी अनगिनत रहस्यों और मिस्ट्रीज से भरी हुई है, तो ये विशालकाय ब्रह्मांड कितने रहस्यों और मिस्ट्रीज का स्वामी होगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से जुड़े कुछ ऐसे ही बेहद अविश्वसनीय मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे, जिनके रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना तो किसी भूगोल शास्त्री के पास है और ना ही किसी अंतरिक्ष विज्ञानी के पास। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन रोचक और रहस्यमय चीज़ों के बारे में। ब्लैक होल आज की मॉडर्न साइंस का सबसे पसंदीदा और सबसे रहस्यमय विषय है। ब्लैक होल के होने की अवधारणा तो काफ़ी पहले से चलती चली आ रही है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्लैक होल के होने की सबसे पुख्ता और विश्वसनीय जानकारी देती है। तो पहले जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल है क्या। दोस्तों, ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि उसमें लाइट का आना भी संभव नहीं है। हमारे मॉडर्न साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद हमारा विज्ञान ब्लैक होल की इस डेफिनेशन के अलावा और कुछ नहीं जानता। हालांकि बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज के मदद से ब्लैक होल की ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल को समय यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हम इस ब्लैक होल में ट्रैवल करना सीख जाएं, तो हमें ब्लैक होल के दूसरे छोर पर एक वाइट होल भी मिल सकता है, जो कि किसी और यूनिवर्स या समय अंतराल का एंट्री गेट होगा। ये ब्लैक होल इतना विचित्र है कि ये होकर भी नहीं है। यानी ब्लैक होल का अस्तित्व तो है, लेकिन ये कहाँ मौजूद है इसका पता हमारा विज्ञान आज तक नहीं लगा पाया है, क्योंकि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल हमारे पूरे यूनिवर्स को निगल सकता है। उदाहरण के लिए, आप ब्लैक होल को एक विशालकाय वैक्यूम क्लीनर मान सकते हैं, जो ब्रह्मांड के सभी मैटर और यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपने अंदर खींच सकता है। सुपर वॉइड। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल ही में ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह खोज निकाली है जो बिल्कुल खाली है। यहाँ ना तो कोई रोशनी है, ना कोई तारा और ना ही किसी भी तरह का कोई भी तत्व। विज्ञान की भाषा में इस तरह की खाली जगह को वॉइड कहा जाता है, लेकिन हाल ही में पाए गए इस वॉइड को सुपर वॉइड भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसका आकार बहुत ही विस्तृत है। इस सुपर वॉइड के आकार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स की क्षेत्र में फैला हुआ है। जो बात आज तक एक गुत्थी बनी हुई है कि वो ये है कि आखिर ये वॉइड बनते कैसे हैं और ये इतने वीरान क्यों हैं, और सुपर वॉइड की इस विशालकाय आकार का रहस्य क्या है। ऐसा नहीं है कि इस दैत्यकार वॉइड में कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुपर वॉइड में यूनिवर्स की बाकी जगहों से 80% कम तत्व मौजूद हैं, और 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स इतनी बड़ी जगह में इतने कम तत्वों का मिलना ही विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। साउंड फ्रॉम प्लैनेट्स। आपने ऐसा तो कई बार सुना होगा कि स्पेस में हम किसी भी तरह की ध्वनि को सुन नहीं सकते, क्योंकि साउंड हमारे कानों तक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स के माध्यम से पहुंचता है। लेकिन स्पेस में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता, इसलिए वहाँ साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हमारा अंतरिक्ष बिल्कुल शांत है, लेकिन ये सच नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ने खोज करके पता लगाया है कि स्पेस में भी साउंड मौजूद है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन के रूप में सर्वत्र फैला हुआ है। हाल ही में नासा ने एक ऐसा उपकरण का निर्माण किया है जिसे स्पेस में पाए जाने वाली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करके इंसानों के सुनने योग्यता फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को कन्वर्ट करके सुना गया तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि प्लैनेट से रिकॉर्ड किए गए ये साउंड काफ़ी अद्भुत थे, जो कि एक अजीब सा तारतम्य साबित करते हैं। हम आपको ये साउंड सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको सलाह देंगे, यदि आपके पास हेडफोन्स हों तो कृपया उन्हें पहन लें और इन अद्भुत साउंड का लुत्फ उठाएं।
ग्रेट अट्रैक्टर। हमारी आकाशगंगा से लगभग 22 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऐसी आकाशगंगा है जो हमारी पृथ्वी समेत हमारी पूरी की पूरी आकाशगंगा को अपनी तरफ खींच रही है। हमारी आकाशगंगा में भी बहुत से ब्लैक होल मौजूद हैं जो कि पूरी गैलेक्सी को निगलने की क्षमता रखते हैं, और द ग्रेट अट्रैक्टर भी हमारी आकाशगंगा को अपनी ओर खींच रहा है। ये साइंटिस्ट के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमारी आकाशगंगा 14 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से द ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ खींचती चली जा रही है। माना जाता है कि इस आकाशगंगा में हमारी आकाशगंगा से 1000 गुना ज़्यादा भार है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि द ग्रेट अट्रैक्टर इस पूरी खिंचाव का केंद्र नहीं है, बल्कि इसके विपरीत शैपले सुपर क्लस्टर नाम के एक आकाशगंगाओं का एक समूह इस पूरे खिंचाव की वजह है। दोस्तों, इस पूरे परिकलन का मुख्य कारण क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस खिंचाव और ब्लैक होल से उत्पन्न होने वाले वैक्यूम से हमारी आकाशगंगा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात यूं तो एक अनसुलझा राज है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी समेत हमारी पूरी आकाशगंगा का अंत निश्चित भी है और बहुत निकट भी है। 1991 VG। सन 1991 के नवंबर में एक एस्ट्रोनॉमर जेम्स स्कॉटी ने पृथ्वी की कक्षा के पास एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा जो कई मायनों में बेहद रहस्यमय था। जेम्स स्कॉटी ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट तेजी से पृथ्वी का पीछा कर रहा है और पृथ्वी के समानांतर घूम रहा है। इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर लगभग 10 मीटर का था और इससे निकलने वाली लाइट्स भी बिल्कुल असाधारण थी। इस ऑब्जेक्ट का लगातार सर्वेक्षण करके जेम्स स्कॉटी ने पाया कि यह ऑब्जेक्ट लगभग 27 दिन बाद पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजरेगा। किसी उल्कापिंड यानी एस्टेरॉयड का पृथ्वी के पास से गुजरना और पृथ्वी की कक्षा में घुस जाना यूँ तो आम बात है, लेकिन जब कोई छोटा उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह पृथ्वी की तरफ खींचने लगता है और फ्रिक्शन के कारण पृथ्वी से टकराने से पहले ही नष्ट हो जाता है। लेकिन जेम्स स्कॉटी ने जब इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा इकट्ठा किया तो पाया कि यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी के बेहद करीब आने के बावजूद भी उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी के पास से होते हुए दूर निकल गया। ऐसा सिर्फ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ही कर सकता है जो किसी कृत्रिम ऊर्जा से चल रहा हो और जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर सके। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो कि पृथ्वी की कक्षा में आकर हमारी पृथ्वी का सर्वेक्षण कर रहा था, और बहुत से साइंटिस्ट का कहना है कि यह अपोलो 12 मिशन में इस्तेमाल किए गए रॉकेट का हिस्सा है। लेकिन इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की हकीकत क्या है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, और इस गुत्थी को सुलझाने का एक और मौका दुनिया के वैज्ञानिकों को 2017 की गर्मियों के अंत में मिल सकता है, क्योंकि 2017 की गर्मियों के अंत के समय यह ऑब्जेक्ट एक बार फिर से पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। ब्रह्मांड के रहस्यों के इस विचित्र सफर में आज बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।